वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेट्स ब्लॉग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की सब्जी, जिसे बहुत जगह पे रामसालन की सब्जी कहते हैं, बहुत जगहों पे गट्टे की सब्जी कहते हैं। सब्जी एक ही होती है, मेथड एक ही होता है, बट नाम अलग अलग होते हैं। तो आइए मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बेसन की सब्जी, गट्टे की सब्जी बनाने की रेसिपी। तो बेसन की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये लिया है नीलकमल का एक बेसन का एक पैकेट, और इसे हम करके करेंगे कट। और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप अगर ज्यादा घर में लोग हैं तो आप डेढ़ पैकेट दो पैकेट ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ फिलहाल एक पैकेट। ये मैंने एक पैकेट बेसन निकाल लिया है, और अब मैं इस बेसन में डालूंगी नमक। ये नमक अपने बेसन के अकॉर्डिंग आप उसमें नमक डालें। फिर इसमें हल्दी पाउडर, ये क्या हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, और ये थोड़ा मस्टर्ड ऑयल। इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए अपने हाथों से इसे आटे की तरह गूंथ लें। बहुत ज्यादा पानी एक बार में ही ना डालें, क्योंकि बेसन में बहुत कम ही पानी लगता है और बहुत जल्दी ये गुन जाती है। ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए अपने हाथों को अच्छे से बेसन जो लग जा रहा है उसे हटाते हुए थोड़ा थोड़ा सा पानी देके अच्छे से गूंथ लूंगी। आइए हम इसका अच्छा सा एक डो तैयार करेंगे। हमने इस तरह से ये डो तैयार कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये डो इस तरह से बिल्कुल आटे की तरह रेडी हो चुका है। अब हम थोड़े से इसकी मालिश करेंगे। इस तरह से मैं काउंटर पे रख के और इसकी अच्छे से मालिश करिए। मालिश से ये होगा कि आपका जो दाना बनेगा इसका वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अच्छे से मालिश हो जानी चाहिए इसकी। ये देखिए, ये बिल्कुल आपके हाथों में चिपकना नहीं चाहिए। देखिए हमारा हाथ बिल्कुल साफ हो रहा है, हो गया है। और इस तरह से अब हम इसकी मालिश करते हुए, अगर ये हाथों में चिपके तो आप थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ में अपने काउंटर पे लगा ले। इस तरह से दोनों हाथों में मालिश करके और इसकी अच्छे से मसाज करें। अच्छे से मालिश हो जाने के बाद अब मैं इसकी छोटी छोटी सी लोइयां तैयार करूंगी। जैसे आप रोटी की लोई लेते हैं ना, उस पूड़ी की लोई लेते हैं, उसी तरह से ये छोटी छोटी सी लोई मैं हाथ में अपने ले रही हूँ। और इस तरह से इसे चाहे तो आप काउंटर पे रख के या अपने हाथों से इस तरह से लंबा लंबा शेप दे लें। ये देखिए इस तरह से लंबे लंबे शेप, और ऐसा हमें सारे बेसन का करना है। ये ऐसे लंबे लंबे शेप सभी बेसनों का बना ले।
और फिर इस तरह से सारे बेसन्स के स्टिक तैयार कर ले आप। और जब तक हमारा ये स्टिक तैयार होता है, तब तक आप पानी बॉईल होने के लिए चढ़ाएं, क्योंकि हमें इन सारे स्टिक्स को बॉईल करना है। तो आइए हम पानी बॉईल होने के लिए चढ़ाते हैं। मैंने ले लिया है एक कढ़ाई जिसमें मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रखा है। इस पानी में हमें कुछ भी नहीं डालना है और सारे स्टिक्स को अच्छे से बॉईल कर लेना है ताकि ये स्टिक्स बिल्कुल पक जाए। तो अब आप देख सकते हैं हमारा पानी अच्छी तरह से उबल चुका है और अब हम अपने सारे स्टिक्स को इसमें इस तरह से डाल दें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब आप पानी अगर आपका ठंडा हो तो आप बेसन के स्टिक्स को बिल्कुल ना डालें। जब पानी पूरी तरह से पानी में बॉयल आ जाए तभी आप डालें। इस तरह से सारे स्टिक्स को इसमें वन बाय वन डाल दें ताकि आपका स्टिक्स अच्छे से पक जाए। अब हमारे बेसन में अच्छे से बॉयल आ चुका है। आप देख रहे हैं हमारा बेसन अच्छे से पक चुका है। ये देखिए, बहुत अच्छे से पक चुका है। कढ़ाई के तले में बिल्कुल भी नहीं लगा है कोई भी बेसन, बहुत अच्छे से निकल चुका है। और अब है इसे बाहर निकालने की बारी। विद इन 4 से 5 मिनट्स में ये अच्छे से पक चुकेगा और अब हम लोग इसे बाहर निकाल लेते हैं। गैस को करें ऑफ। और इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी छन्नी वाला बर्तन हो आप उसे ले लें, एक प्लेट पे रख लें और इस तरह से हम इसे पानी से बाहर निकाल लें। पानी से बाहर निकालने के बाद हम एक-एक स्टिक्स की करेंगे कटिंग। तो इस तरह से हम इसके छोटे-छोटे दाने कट करेंगे। फ्रेंड्स, ये बेसन की सब्जी बनाने में टाइम बहुत ही ज्यादा लगता है, तो आप जिस दिन फ्री हो उसी दिन ये सब्जी को बनाएं। बहुत ही समय लगता है बट बहुत ही टेस्टी बनता है। आप शेप चाहे कोई भी रख सकते हैं, बड़ा अगर आप ज्यादा बेसन बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा बड़ा खाना चाहते हैं तो आप इस स्टिक्स के हाफ टुकड़े भी कर सकते हैं, पर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से। आप देखिए मैं कितने छोटे छोटे दाने इस तरह से कट कर रही हूँ। अब सारे स्टिक्स को हमें कट करना है। सारे स्टिक्स को हम धीरे 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 कट करेंगे। तो मैंने सारे दानों को इस तरह से छोटे छोटे शेप्स में कट कर लिए हैं। अब इन सारे दानों को मैं अच्छे तरह से ऑयल में भूनूंगी। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है। और इस सब्जी को बनाने के लिए हम हमेशा मस्टर्ड ऑयल का यूज करेंगे। मस्टर्ड ऑयल में मैंने एक साफ कढ़ाई ले ली है जिसमें मैं डाल रही हूं मस्टर्ड ऑयल। इस सब्जी में ऑयल थोड़ी ज्यादा मात्रा में लगेगी आपकी। ये मस्टर्ड ऑयल जिसमें हम इन सारे दानों को फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, खड़ा जीरा। खड़ा जीरा हमने दे दिया है और जैसे हमारा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाएगा मैं थोड़ा थोड़ा करके इन सारे दानों को अच्छे से इसमें फ्राई कर लूंगी। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे सारे दानों।
इस तरह से डाल के हम इसे थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। फ्लेम हम हाई पे ही रखेंगे और इस तरह से इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे। जब तक आपके दाने फ्राई हो रहे हैं तब तक आप, अब ग्रेवी की बारी है और ग्रेवी के लिए हम करेंगे प्याज टमाटर को कट। तो जब तक आपके दाने इधर फ्राई हो रहे हैं तब तक आप प्याज टमाटर कट कर लें। तो आइए हम करते हैं प्याज टमाटरों को कट। तो ये हमारा बेसन अब बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है, तेल बिल्कुल छोड़ने लगा है ये, और अब आप देख सकते हैं ये कढ़ाई से बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी तैयार हुआ है, ब्राउन कलर बिल्कुल आ चुका है इसमें। तो अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से मैं एक थाली लूंगी और इन सारे दानों को कढ़ाई से बाहर निकाल। फ्रेंड्स सच कहूं तो ये ऐसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाता है ये और बहुत अच्छा लगता है। और अब इसी कढ़ाई में मैं वापस से डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। अब हम कर रहे हैं ग्रेवी की तैयारी। तो मैंने ये डाला मस्टर्ड ऑयल और इसमें मैं दे रही हूँ, चूंकि हमारा कढ़ाई अभी गर्म है तो मैं ये डाल रही हूँ तेज पत्ते, और अब इसमें मैं डालूंगी पंचफोरन। जीरा, थोड़ी सी मेथी, राई, सौंफ, और अब जैसे ही आपको इन मसालों की खुशबू आने लगे आप इसमें कटे हुए प्याज के टुकड़े को डाल दें। ये हमारा थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है। अब मैंने प्याज को इसमें डाल दिया और मैं प्याज को अच्छे से लाल करूंगी। प्याज को थोड़ा रेडिश कलर दे, लाल होने दे अच्छी तरह से, इसकी एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार करनी है। प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट गया, थोड़ा सा हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। बहुत अच्छे से आप इसे भून लीजिए। और साथ में मैं डाल रही हूँ ये कटे हुए टमाटर, थोड़े से कटे हुए टमाटर, अब इसे अच्छे से चला। इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से भून लेना है ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। फिर हम डालेंगे आगे मसाले। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए इसे अच्छे से ढक दे ताकि टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो सके। तो
फ्रेंड्स हमारा प्याज लहसुन अदरक टमाटर सब बड़े ही अच्छे से पक चुका है सिझ चुका है। अब मैं इसमें एक चीज डाल रही हूँ, ये हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को मैंने लंबा लंबा इस शेप में कट कर लिया है और अब मैं इसे इसमें डाल दूंगी। हरी मिर्ची दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, इसलिए मैं इसमें हरी मिर्ची डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें मैं आपको दिखा दूं अपने मसाले एक बार। ये देखिए ये हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें आगे के मसाले डालूंगी। सबसे पहले तो हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर और बहुत ही थोड़ा बहुत थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची दे रखी है इसलिए मैं इसमें रेड चिली पाउडर बहुत थोड़ा ही डालूंगी। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, पर बहुत ज्यादा सब्जी तीखा तीखी ना हो जाए इसलिए मैं रेड चिली पाउडर डालूंगी। और अब मैं इसमें एक इंग्रेडिएंट और डालूंगी जो कि हमारे ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा टेक्सचर देगा, वो है थोड़ा सा बेसन। ये बस छोटे वाले स्पून से एक चम्मच बेसन बस। और अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि इसमें बेसन है इसलिए बेसन को बहुत अच्छे से भूनिए। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इस सब्जी में प्याज को पीस के भी डाल सकते हैं, पर मैं इसी मेथड से बनाती हूँ इसलिए मैं इसी तरह से आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं चूंकि इसमें बेसन डाला है इसलिए इसे थोड़ा सा अच्छे से भून लूंगी ताकि सब्जी बहुत अच्छी और गाढ़ी बने। अब आप इसे तब तक भूने जब तक कि हमारा मसाला जो है बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ ना दे, और कढ़ाई छोड़ दे और ऑयल सारे ऑयल ऊपर आ जाए तब तक हम सब्जियों को भून लेते हैं। अब इसमें बिल्कुल भी देर नहीं है, जैसे ही हमारी हमारा ये मसाला भून जाएगा तो हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स सारे मसालों को 2 मिनट चलाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। दो टेबल स्पून घी, और घी डालने के बाद मैं इसे भी थोड़ा चला लूंगी। और अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी किचन किंग। ये मैं एक चम्मच किचन किंग इसमें डाल रही हूँ। ये हमारा एक चम्मच किचन किंग इसके अंदर बस। अब हम 2 मिनट मसालों को मिलाएंगे। इस तरह से 2 मिनट मसालों को मिलाया और अपने बेसन वाले ये जो हमने दाने बनाए थे फ्राई किए थे इसे मैं सारे इसमें डाल दूंगी। सारे मसालों को मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसे चला देंगे अच्छे से करें मिक्स। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा पानी डाल के अच्छे से चला लें। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी सब्जी तैयार हो गई है, पर अभी ये बिल्कुल ही सूखी हुई है। अगर आप रोटी पराठा के साथ, रोटी पराठा पूड़ी के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसे ड्राई भी रख सकते हैं, पर मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेवी डालूंगी क्योंकि हमारे यहाँ सबको ग्रेवी वाली सब्जी बहुत पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी मिलाने जा रही हूँ। और ग्रेवी के लिए हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा वाटर। और अब हमारी सब्जी फाइनली रेडी हो चुकी है।
अपने अकॉर्डिंग इसमें ग्रेवी डालें। मैं बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं दे रही हूँ। ये देखिए अब हमारी सब्जी बिल्कुल ही रेडी है खाने के लिए। तो आइए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये रेडी हो चुकी है आपके गट्टे की सब्जी, गर्मा गर्म है खाने के लिए बिल्कुल तैयार। आप ये सब्जी बनाने में समय तो दोस्तों बहुत ही लगता है, पर खाने में भी उतना ही मजेदार होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और मुझे अपना प्यार यूं ही देते रहें। मैं इसी तरह से तरह तरह की चीजें आपके साथ शेयर करती रहूंगी। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।